स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। पहले लॉन्च हुए एयरपॉड्स, उसके बाद में रियलमी लेके आया इंडिया में रियलमी बर्ड्स एयर वायरलेस, और अब उसके पीछे पीछे फॉलो करता हुआ वीवो भी आ चुका है। जी हाँ, वीवो लॉन्च करेगा मार्च में अपने TWS ट्रूली वायरलेस स्पीकर्स। और कमाल की बात ये है, इन एयरफोन्स की प्राइस, इनकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये उन्होंने चाइना में रखी है। अभी इंडियन वेरिएंट में कितने रुपए में लेके आते हैं ये चीज़ अभी फिक्स नहीं हुई, ये देखने लायक चीज़ होगी, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो लगभग एयरपॉड्स जैसी है। फिलहाल इंडियन मार्केट में एयरपॉड्स 12,000 रुपये के मिल रहे हैं, और ये जो वीवो के एयरफोन्स हैं, एयरबड्स हैं, एयरपॉड्स हैं, ओके वी डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट ये 10,000 रुपये के होने वाले हैं। और कॉम्पिटिशन बॉय, तो ऐसा क्या है इनमें कि 10,000 रुपये कीमत रख दी वीवो ने, ऐसा वीवो का कहना है, तो वो बताते हैं आपको कि इनमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डिज़ाइन और लुक से। वैसे जो डिज़ाइन है, जो फॉर्मेट है, वो इंस्पायर्ड है ट्रूली आप देख सकते हो एयरपॉड्स से, बट यहाँ इन्होंने रियलमी की तरह हूबहू एकदम कॉपी नहीं किया, इन्होंने थोड़ा बहुत अपना मिश्रण वीवो का मिलाया है। और इनकी डिज़ाइन एयरपॉड्स से डिफरेंट है, रियलमी एयरबड्स से डिफरेंट है, और इनके जो ईयरबड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो डिज़ाइन के मामले में अलग हैं वीवो के ये नए ईयरबड्स, ओके, और ये मार्च में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, ऐसा वीवो का कहना है। और इनमें क्या है, इनकी जो बैटरी बैकअप है वो 4 घंटे का है, और अगर केस के साथ मिला के चलें तो 24 घंटे का, यानी कि इक्वल टू एयरपॉड्स। एयरपॉड्स भी ऐसा सेम क्लेम करते हैं और वीवो वाले भी ऐसा सेम क्लेम कर रहे हैं। अब आते हैं साउंड क्वालिटी के ऊपर। तो साउंड क्वालिटी के लिए यहाँ पर आपको 14 mm के ड्राइवर मिलेंगे, और जो कि प्रोसेसर है वो होगा क्वालकॉम का aptX, और इसमें AAC डिकोडिंग टेक्नोलॉजी है। AAC फॉर्मेट्स होते हैं जो आप ब्लूटूथ में सुनते हो, तो जो ट्रैवल होके ऑडियो आती है ब्लूटूथ से, उनके कोडेक्स होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के कोडेक्स होते हैं AAC। एयरपॉड्स में भी AAC का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लेटेंसी की। तो लेटेंसी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लेटेंसी होता है कि मान लीजिए मेरे फ़ोन में मैं एक वीडियो देख रहा हूँ एयरबड्स को लगा के, तो जो वीडियो जिस स्पीड में चल रही है और मुझे ऑडियो लेट आ रही है, वो लेटेंसी होता है। लेटेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही लेट ऑडियो डिलीवर होती है ईयरफोन्स में, और लेटेंसी वीवो वालों ने बहुत कम कर दिया है ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी 44% कम, तो मतलब सुपर फास्ट ट्रांसफ़र स्पीड होगी। और दूसरा, पावर कंजप्शन भी इन्होंने 30% कम किया है कंपैरेटिवली अदर्स। ये चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, और चाइना में इनकी प्राइस है 999 yuan, यानी कि इंडिया के करीब 10,000 रुपये। इंडिया में मार्च में लॉन्च होने हैं ये ईयरबड्स, और किस प्राइस पे लॉन्च होंगे वो इंटरेस्टिंग है, तो जब भी लॉन्च होंगे इस चैनल पे ज़रूर अपडेट डाल दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अदर सोशल साइट्स पे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मिलते हैं। ओके, मेरे पीछे पुलिस लगी है तो मुझे जाना होगा।